मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित मूक माटी के सार गर्भित काव्य। बसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है, और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। बसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है। सुन रहे हो? अनंत में शांत खो चुका है, क्योंकि अब वो विशाल रूप को प्राप्त कर लिया। वो बसंत पानी सूख गया, वो उड़कर बादलों में परिवर्तित हो गया। जो पानी था वो भी पानी समाप्त नहीं हुआ, हमें दिखता भले ही नहीं है, लेकिन वो गया कहां? बादलों में, वातावरण में। और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। अब जो पानी थोड़ा बहुत शेष बचा होगा, उस बसंत का भी अंतिम दाह संस्कार होना है। निदाहट आहुत था सो आगत है, जिसको बार 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 हम चाह रहे थे, अब वो आगत है, स्वागत है, उसका स्वागत है। जो चीज़ अपन चाह रहे थे वही अब अपन को मिलने वाली है। ऐसा माटी के अंदर से गीलापन निकलता चला जाता है और उसके अंदर जो सूखा आ जाता है, सूख जाती है माटी, तो वह आगत यानी आना आ रहा है। प्रभाकर का प्रचंड रूप है, प्रभाकर का प्रचंड रूप। प्रभाकर कौन? सूर्य। सूर्य का जैसे मैंने अभी बताया कि खूब प्रचंड रूप, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धर दराहट लपट चल रही है, बस बरस रही है केवल। क्या बोलो? तप न तप न तपन तपन तपन। मूक माटी। मूक माटी व्याख्याकार तरुणाई के प्रखर वक्ता आचार्य श्री के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज। मूक माटी सिखलाती है जीवन की परिभाषा। मूक माटी।